हाय फैंस, कैसे हैं सब लोग? दोस्तों, मैं अभी यूके में हूं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं फिर से बॉलीवुड में आ जाऊं। हाँ, मेरा दिल यहां नहीं लगता। मैं मॉम के ऑपरेशन के लिए मुंबई आई थी, वापस मैं आ गई हूँ यूके में। दोस्तों, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। यहाँ सब कुछ अच्छा है। यहाँ की क्वीन मेरी फैन है, लंदन की क्वीन, और मेरा हाउस बिल्कुल हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है और यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। बट दोस्तों, मेरा दिल जो है वो बिल्कुल मुंबई में है, मेरी माँ के पास, मेरे फैंस के पास, मेरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, इस सब स्टार, दीपिका, विद्या बालन, आलिया भट्ट, ये सब मुझे बहुत मिस करते हैं। सबका मुझे इतना फोन आता है, इतना मिस करते हैं कि जैसे मैं बॉलीवुड से चली गई तो करण जौहर, फराह खान, ये सब लोग बहुत अपसेट है कि मैं बॉलीवुड से चली गई शादी करके, तो वो लोग बहुत नाराज है। वो लोग ने मुझे बहुत फोन किया कि तो मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप? एंटरटेनमेंट अगर कोई है तो सिर्फ मैं हूं। फ्री का, फोकट का एंटरटेनमेंट मैं आपको सबको देती हूं, कोई पैसा थोड़ी चार्ज करती हूं। दोस्तों, तो मैं मुंबई आना चाहती हूं। हाँ, मैंने अपने बाल काट दिए, मैं विग पहन पहन के थक गई हूं। बाल तो क्या अपनी घर की खेती है, रोज मैं तेल लगाऊंगी तो बाल मेरे बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं कि मैं वापस मुंबई आ जाऊं, प्लीज नीचे कमेंट में देखो, धक्कम धक्कम मुक्की कोई नहीं करेगा, सबको गाली देने का मौका मिलेगा, तो आराम से ओके। वैसे तुम्हारे गाली देने से मेरे कोई फोड़े नहीं निकलने वाले, समझ गए? तो मुझे गाली ना दो, जिसको देना है उसको छूटे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो धक्कम धुक्की बिल्कुल नहीं करेगा। और नीचे आप कमेंट में लिखिए कि मैं बॉलीवुड में फिर से आऊं। आऊं क्या, मैं क्यों पूछूं आप लोगों को? मैं आऊंगी, मेरा बॉलीवुड है, मैं आऊंगी, मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं ही हूं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ओके, लव यू ऑल माय फैंस। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, दीपिका को, इस देश ने उसे प्यार दिया, शोहरत दी, भारत ने क्या क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जेएनयू के लोगों को, छात्रों को। क्यों आप लोग भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? भारत आपकी माता है, कोई अपनी मां के टुकड़े करता है क्या? कोई हमारी मां के टुकड़े करता है क्या? और आप भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? क्या कोई मिठाई का टुकड़ा है जो आप टुकड़े करना चाहते हो? और वो लोग, दीपिका एक बहुत सुलझी हुई अभिनेत्री है, वो अपनी फिल्म के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी। दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी और सैड हूं, बहुत ज्यादा। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद देश के विरोधी लोग हमारे देश को बांटना चाहते हैं। क्या वो कामयाब होंगे? क्या वो हमारे देश को तोड़ पाएंगे? आज मोदी जी ने नागरिकता कानून को लाके देश का सर ऊंचा किया है। मोदी जी देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, मुझे गर्व है हमारे मोदी जी पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, कि बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग अगर दूसरे देशों में घुस जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होती है, लेकिन ऐसे ही गैर कानूनी लोग
हमारे देश में घुस के बैठे हुए हैं, अगर उनके लिए कोई कानून निकाला जा रहा है या गैर कानूनी लोगों को निकाला जा रहा है, तो इसमें मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? आप बताइए, अगर हम घर में रहते हैं, अगर हमारे घर में कोई घुस जाए, तो क्या हम उनको हमारे घर में रहने देंगे? उनको ये कहेंगे कि भाई हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, और आप हमारे घर में रहो? हमारे मोदी जी सही काम कर रहे हैं कानून लाकर। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, दीपिका को, इस देश ने उसे प्यार दिया, शोहरत दी, भारत ने क्या क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जेएनयू के लोगों को, छात्रों को। क्यों आप लोग भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? भारत आपकी माता है, कोई अपनी मां के टुकड़े करता है क्या? कोई हमारी मां के टुकड़े करता है क्या? और आप भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? क्या कोई मिठाई का टुकड़ा है जो आप टुकड़े करना चाहते हो, भारत के टुकड़े? क्या हम लोग ऐसे मुंह देखते रहेंगे और आपस में अंदर छात्रों को पता नहीं कोई हमारे देश के विरोधी है, वो मार रहे हैं छात्रों को, और वो लोग, दीपिका एक बहुत सुलझी हुई अभिनेत्री है, वो अपनी फिल्म के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी, लेकिन पीछे से नारे लगाए गए, इसमें दीपिका को कोई कसूर नहीं। मैं बहुत दुखी हूं कि वहां से सब लोग भारत के टुकड़े हो ऐसे नारे लगाते हैं। ये सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फट गए? भारत को कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे भारत को कोई टुकड़े नहीं कर सकता, और जो भी भारत के टुकड़े करना चाहेगा उनके खुद के टुकड़े हो जाएंगे। ईश्वर, परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। जिस देश में तुम खाते हो, जिस देश का नमक खाया, जिस देश में पैदा हुए, उसके टुकड़े करना चाहते हो? नहीं, हम देश के नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, किसी और की बात सुनकर अपने देश पर हमला मत करो। ये देश सबका है, तुम्हारा है ये देश। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं मोदी जी आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके साथ हूँ मोदी जी। हाय, मेरा नाम विशाल दलानी है। मैंने अभी अभी पढ़ा कि इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट 2019-20 के लिए 5% पे आ गई है, पिछले साल ये 6.8% पे थी। मैंने ये भी पढ़ा कि इंडिया की टैक्स कलेक्शन 2.5 लाख करोड़ रुपए कम हुई है इस बार, यानी कि खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास करीबन 2 लाख करोड़ रुपए कम होंगे, यानी कि लिक्विडिटी कम, यानी कि बिजनेसेस कम, यानी कि जॉब्स कम। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सोचना जरूरी है कि इस वक्त जो सीएए एनआरसी का जो बवाल फैला है, ये क्यों हो रहा है? निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे, निहत्थे स्टूडेंट्स पे हमले क्यों हो रहे हैं? कौन आपको गुमराह कर रहा है सच्चे मुद्दों से, और क्यों? सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश चलाना आए ना आए, जलाना जरूर आता है। मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जाती तौर पर जो आज डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं सीएए और एनआरसी के खिलाफ, मैं उनमें जाती तौर पर शामिल नहीं हो पा रही हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूं। और मैं ये इल्तिजा करती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, लेकिन बिना किसी हिंसा के, ये बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कैफी आजमी के एक शेर से। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। जावेद अख्तर के दो शेर। जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में, लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी आवाज को दबाने के बजाय सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। आज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, और अफसोस हूं कि जाती तौर पे वहां नहीं हो सकी क्योंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूं, लेकिन मैं अपील करती हूं कि किसी तरह की हिंसा ना हो। हाय, मेरा नाम विशाल दलानी। मैंने अभी अभी पढ़ा कि इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट 2019-20 के लिए 5% पे आ गई है, पिछले साल ये 6.8% पे थी।
मैंने ये भी पढ़ा कि इंडिया की टैक्स कलेक्शन 2.5 लाख करोड़ रुपए कम हुई है इस बार, यानी कि खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास करीबन 2 लाख करोड़ रुपए कम होंगे, यानी कि लिक्विडिटी कम, यानी कि बिजनेसेस कम, यानी कि जॉब्स कम। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सोचना जरूरी है कि इस वक्त जो CAA NRC का जो बवाल फैला है ये क्यों हो रहा है, निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे, निहत्थे स्टूडेंट्स पे हमले क्यों हो रहे हैं, कौन आपको गुमराह कर रहा है सच्चे मुद्दों से और क्यों, सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश चलाना आए ना आए जलाना जरूर आता है। Hi, this is Swara Bhaskar and I'm sort of, this is a really urgent SOS sort of appeal. There is, even as we speak right now, a terror attack on JNU by goons who are allegedly ABVP and RSS backed goons. They have covered their faces and there are videos everywhere that show that they are on a rampage inside hostels. They have attacked teachers, they are attacking students, they are vandalizing the hostels. The JNU SU president Oishe has been injured very seriously. Professor Sucharita Sen has also been injured very, very seriously. She's currently in hospital. They're now attacking teachers' houses also. Obviously, this is very personal for me because my parents live on campus. This is an appeal to anyone who's in Delhi. This is an appeal that I'm forwarding from JNU students who are calling me that please go to the north gate, to the main gate of JNU in as large numbers as you can. There is media presence there. There is Delhi police presence there. But Delhi police is not going inside campus. They're not controlling the situation. Please, as citizens, collect in large numbers in front of the main gate and please pressurize the police to act. I mean to stop this rampage. This is, it's absolutely crazy. So this is my appeal. Please share it as widely as you can. It's I think it's around 9 o'clock right now on the 5th of January and please share this appeal and if you can just please meet at the main gate, which is north gate of JNU campus on Baba Gangnath Marg. Please be forewarned, there's apparently a Bajrang Dal mob or crowd already outside chanting slogans and so on. There's media there, there's police there. This is my urgent appeal to all of you to please reach there as soon as possible. Thank you. मेरी ये अपील जामिया और ओखला के लोगों से है मेनली। जितने लोग हो सकें शाहीन बाग पर रहिए, वहाँ पे अभी आज जो है दो बसें देखी गई हैं जिसके अंदर पुलिस के लोग हैं, जिसके अंदर जो है पैरामिलिट्री के लोग हैं शायद, और मतलब बहुत सारे लोग देखे गए हैं। एक तरफ का बैरिकेड हटाया गया है। आप लोग जितने लोग हो सकें वो लोग शाहीन बाग पर पहुँचिए। ये लोग अभी JNU का हमला कर रहे हैं, जैसे लोग वहाँ गैदर होंगे ये लोग उसके बाद शाहीन बाग पर भी हमला करेंगे क्योंकि वो एक सिंबल बन गया है, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग हुंडई पर उतरे हुए हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पहुँचेंगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ जो है जो भी कर रहे हैं उस काम को अभी छोड़िए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैदर हुई है शाहीन बाग पे, जामिया और ओखला के लोग खास तौर पे, उसके आसपास के लोग और बाकी लोग जितने हैं वो लोग प्लीज़ JNU के दरवाजे के सामने पहुँचिए। ये लोग हर आदमी के घर में घुस रहे हैं, इसको रोकना ज़रूरी है। इन लोगों के प्लान को समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाहीन बाग पर पहुँचिए और बाकी लोग जो हैं, बाकी दिल्ली वाले लोग जो हैं वो लोग JNU पर पहुँचे। शुक्रिया दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता होगा अभी JNU के अंदर बहुत बुरी तरह से हमला किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वो ABVP के, RSS के, बजरंग दल के ये सारे लोग हैं और मुंह पे जो है कपड़ा बांध के ये लोग JNU के अंदर घुस के हॉस्टल्स में और हर जगह पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहाँ के टीचरों को मार रहे हैं, वहाँ के बच्चों को मार रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि JNU के गेट के सामने, जो उनका नॉर्थ गेट है, जो मेन गेट है, उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए। वहाँ पे पुलिस खड़ी है लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अंदर जाके रोक नहीं रहे हैं बल्कि बाहर के लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं ताकि वो लोग इस हुंडई को रोक ना पाएं। आप लोगों को बस मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आप लोगों को लग रहा है आप अपने घर में सेफ़ हैं, आप लोग अपने घर में सेफ़ नहीं हैं। ये लोग आप